एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक स्मिटन हॉल विद द रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स आए हैं मैं उनका रिव्यू भी दूंगी कि मुझे कैसे लगे, मतलब वो फर्स्ट इम्प्रेशन ही होगा। मैंने यूज तो नहीं किया लेकिन वो फर्स्ट इम्प्रेशन ही होगा। पूरा रिव्यू मैं आपको दूंगी कि ये वर्थ द पॉइंट्स है या नहीं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं दिखाऊंगी जिसके लिए मैं डिसअपॉइंटेड हूं वो है ये सीयर सीक्रेट्स का ब्लश इट अप ब्लश लिप एंड चीक टिंट। सो सबसे फर्स्ट इसकी आउटर पैकेजिंग बिल्कुल नहीं आई है। नेक्स्ट इसकी जो एक्सपायरी दी गई है ये मैन्युफैक्चर्ड है 2022 का और इसकी एक्सपायरी सिर्फ 2 साल की है, यानी कि ये 2024 में एक्सपायर हो जाएगा और ये 7th मंथ में यानी कि जुलाई में, अभी फेब खत्म ही होने वाला है, मैं इसे मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने ही यूज कर सकती हूँ। तो 4 मंथ्स के लिए मैंने क्या 4 पॉइंट्स दिए इसमें। लुक एट द शेड, दिस इज द शेड, दिस इज मरून महोगनी, सॉरी दिस शेड इज महोगनी मरून और इसके साथ जो है मिरर एक दी जाती है। तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी कि इसके साथ एक मिरर है तो आप आराम से अपना जो टचअप कर सकते हो। तो इसका टेंट मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। लुक एट द टेंट, इस टाइप का है। तो मैं इसको लिप्स पे भी आपको लगा के दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो। ये कुछ इस टाइप का टिंट रहेगा, ये बिल्कुल मरून टाइप में है। आप इसे चीक्स पे भी लगा सकते हो बट अभी मैं चीक्स पे नहीं लगाऊंगी। तो इसे मैंने 4 पॉइंट्स में खरीदा था जिससे मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूं। मेरे 4 पॉइंट्स इस पे वेस्ट हो गए, मैं इसे 4 महीने ही हार्डली यूज कर पाऊंगी। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये नेचुरल वाइब्स का सीरम, नेचुरल वाइब्स रीडिफाइनिंग फेस सीरम। सो ये रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन को, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स एंड स्कार्स को। सो ये 3 ml की क्वांटिटी में है, इसे मैंने 2 पॉइंट्स में लिया था। ये इस टाइप से ये निकल गया, सॉरी। सो मैं दिखाती हूँ, ये इस टाइप की है, आप देख सकते हो, बहुत ही क्यूट सी बॉटल है। ये 3 ml की क्वांटिटी में है और इसकी एक्सपायरी जो है वो 3 साल की है। ये 2023 का मैन्युफैक्चर है और ये 2026 में खत्म होगा। सो मैं तब तक तो इसे यूज कर ही लूंगी। काफी अच्छी लगी मुझे ये सीरम और इसकी खुशबू मैं बता देती हूँ कैसी है। इसकी ड्रॉपर आप देख सकते हो किस टाइप से है, ड्रॉपर थोड़ी टिल्टेड है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। सो इसे मैंने 2 पॉइंट्स में लिया था। सो इसकी तो एक्सपायरी ठीक दी है। नेक्स्ट मैंने जो मेकअप प्रोडक्ट लिया है वो लिया है ये मिलियन कलर्स का हाइलाइटर। सो ये रोज गोल्ड शेड में है, यहाँ पीछे लिखा हुआ है ये रोज गोल्ड शेड में है और इसकी भी एक्सपायरी 3 साल की दी हुई है। ये जुलाई 2023 का मैन्युफैक्चर है और जून 2026 में खत्म होगा। तो इसे मैं 2 साल तक यूज कर सकती हूँ और इसे मैंने 4 पॉइंट्स में खरीदा है और 4 पॉइंट्स में सिर्फ 2 साल तक यूज करना, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डील। तो 4 पॉइंट्स इस पे भी मेरे थोड़े से वेस्ट ही मुझे लग रहे हैं। ये इस टाइप का हाइलाइटर है रोज गोल्ड शेड में। तो जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए मैं मतलब एक्साइटेड थी ना, वही मेकअप प्रोडक्ट्स ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। ये दोनों ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। मतलब यार आप 4 पॉइंट्स अगर ले रहे हो तो कम से कम 4 साल तक तो यूज करने दीजिए, 4 नहीं तो 3 साल तक तो कम से कम यूज करने दीजिए। लास्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो मैंने लिया है ये टीन का आईब्रो पेंसिल। ये ब्लैक कलर में है और इसकी एक्सपायरी मैं बता देती हूँ।
ये भी 2023 का मैन्युफैक्चर है और इसकी एक्सपायरी है 2027 की, तो इसे मैं 3 साल यूज कर सकती हूँ आराम से। तो ये इस टाइप से है, ये आईब्रो पेंसिल। एक साइड पे आपको स्पूली मिल जाएगी जिसकी ढक्कन बहुत टाइट है, काफी अच्छी क्वालिटी की है, और इस टाइप से आपको जो है आईब्रो पेंसिल मिल जाएगी। सो ये 12 पॉइंट्स में मैंने यही खरीदा था, और ये मैंने खरीदा था जब ऑफर चल रहा था स्मिटेन पे कि 1 पॉइंट में आपको 6 एक्स्ट्रा ट्रायल पॉइंट्स मिल रहे हैं, तब खरीदा था मैंने। तो अगर मैंने ऑफर में खरीदा है तो स्मिटेन क्या मेरे साथ ऐसा करेगा? तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ, इस बार मुझे स्मिटेन से कुछ भी अच्छा नहीं मिला। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हो तो। बाय बाय, टेक केयर।